अनुराधा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम है वीरता। प्रस्तुत कविता में कवि वीर पुरुषों के लक्षणों को स्पष्ट कर रहा है। वीर पुरुष विपत्ति में घबराने के बजाय उसका डटकर मुकाबला करते हैं। वीर पुरुषों के समक्ष परिस्थितियां स्वयं घुटने टेक देती हैं। प्रस्तुत कविता को श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। चलो मेरे प्यारे बच्चों, कविता पढ़ने के लिए सुनने के लिए तैयार हो जाओ। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं। मुह से न कभी उफ कहते संकट का चरण न गहते हैं। जो आपड़ता सब सहते हैं उद्योग रत नित रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में टीक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छीपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो वर्तिका बिच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वह पाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह कविता जो है वह वीर रस से पूर्ण भरी हुई है। हमें वीर बनना चाहिए न ही कि कायर। जीवन में कई कठिनाइयां आती हैं, उनका मुकाबला संकटों का मुकाबला धैर्य पूर्वक करना चाहिए। हमें आलसी न बनकर उद्योगित रहना चाहिए, मतलब हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। अपने विचारों का, बुद्धि का और बल का सदुपयोग करते रहना चाहिए।